सो ये हैं श्वेतांजलि दीदी, इन्होंने मेरा मेकअप किया है एंड इन्होंने बहुत सारी ब्राइड्स का मेकअप किया है जो उरई में रहती हैं एंड इनके इंस्टाग्राम आईडी पे आप जाके देखेंगे सो बहुत सारी ब्राइडल मेकअप हैं और जो इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली किया है सो उसको भी आप लोग चेकआउट करना एंड इनका जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आप जाके इनसे मैसेज कर सकते हैं। सो हेलो गाइस, इस बार मैंने करवाया है ब्राइडल मेकअप एंड सबसे पहले मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे लेंस। सो आई लेंस से आप खुद देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। सो मैंने जो ब्राइडल मेकअप करवाया था ये उरई से करवाया था एंड उरई में रामनगर है, मीन्स उसका जो भी एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडिड है। सो यहाँ पे छोटी सी क्लिप्स हैं उन्होंने जो प्रोडक्ट्स मुझ पर यूज़ किए थे एंड बाकी सारे उनको बहुत सारे प्रोडक्ट हैं एंड उन्होंने इतने हाई इन ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ किए थे। सो एज़ अ ब्यूटी ब्लॉगर या फिर एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको आपका ड्रीम क्या होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा महंगे वाले प्रोडक्ट्स हों या फिर आप बहुत ज़्यादा महंगे वाले प्रोडक्ट से मेकअप करें। सो मुझे भी बहुत ज़्यादा मीन्स अभी मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है सो मैं धीरे धीरे करके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कलेक्ट कर रही हूँ। सो धीरे धीरे करके मैं हाई एंड ब्रांड पे जा रही हूँ। सो एकदम से मैं नहीं कर सकती कि मैं सारे हुडा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स ले लूँ या फेंटी ब्यूटी के प्रोडक्ट्स ले लूँ एंड उनसे मेकअप करूँ। सो मेरा भी एक ड्रीम है या फिर मतलब कि इच्छा है कि जो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे एंड महंगे प्रोडक्ट से मेकअप करवाऊँ या करूँ जो मेरे पास हों। सो इसीलिए जब उन्होंने मेरा मेकअप जेम्स चार्ल जैसे या और टार्ट जैसे प्रोडक्ट से किया जो इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है, इंडिया में भी मिलना मुश्किल हो जाता है। सो आप जान सकते हैं कि कितनी खुशी होती है जो चीज़ आपको चाहिए हो एंड वो आपको मिले। सो ऐसे ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने अपना जो मेकअप है वो इतने ज़्यादा हाई एंड ब्रांड से करवाया एंड थैंक यू सो मच श्वेतांजलि दीदी, आपने इतना ज़्यादा अच्छा एंड हाई एंड ब्रांड से मेरा मेकअप किया। सो सबसे पहले उन्होंने मेरे फेस को अच्छे से प्राइम किया एंड हाइड्रेट किया एंड उसके बाद उन्होंने बायो ऑयल लगाया, देन मेरी फर्स्ट टाइम आईब्रोज़ को, मेरी जो आईब्रो है वो कभी भी मैंने नहीं बनवाई थी, फर्स्ट टाइम मेरी आईब्रो बनी है। सो जो शूट है वो मेरी मम्मी कर रही थी तो दीदी ने बोला कि मतलब कि मेरी आईब्रो नहीं बनी है, अगर आईब्रो बनी होती तो ज़्यादा अच्छे से मेकअप हो जाता। सो इसीलिए मम्मी ने बोला कि ठीक है बनवा लो एंड फर्स्ट टाइम मेरी आईब्रो बनी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हो रही थी एंड दर्द भी हो रहा था एंड उन्होंने पैक का आईब्रो इन्हेंसर लगाया है। सो जो भी सारे प्रोडक्ट हैं जो अवेलेबल होंगे जैसे कि नायका के प्रोडक्ट वो आप चेकआउट कर सकते हैं नायका पे एंड मैं प्राइस भी बताती चलूँगी। जो ये ब्राउ पोमेड है वो 500 से 600 रुपए तक का है। देन उन्होंने टार्ट का कंसीलर लगाया है एंड टार्ट के कंसीलर से उन्होंने मेरी आईब्रो को डिफ़ाइन किया है एंड उनकी ये ट्रिक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उन्होंने क्या किया है, आईब्रो डिफ़ाइन करने के लिए हम एकदम स्ट्रेट लाइन बना देते हैं आईब्रो के नीचे, बट उन्होंने लिटिल लिटिल स्ट्रोक्स में जो लाइन है उसको खींचा है। सो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। देन उन्होंने टार्ट का कंसीलर लगाया है एंड टार्ट का जो कंसीलर है वो 3500 रुपीज़ का आता है, अराउंड 3500 का यानी कि 3500 रुपये का आता है। देन उन्होंने पैक की ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से मेरा जो आई मेकअप है उसको ब्लेंड कर दिया है, जो आई बेस है टार्ट की कंसीलर को ब्लेंड कर दिया है एंड ये जो स्पंजेस उन्होंने यूज़ किए हैं ये नायका पे अवेलेबल हैं एंड ये 400 रुपये अराउंड में आपको मिल जाते हैं। देन उन्होंने जेम्स चार्ल्स के पैलेट से मेरा आई मेकअप किया है एंड जेम्स चार्ल्स उनका अकाउंट है इंस्टाग्राम, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं एंड उनको देखना ही मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं उन्हें फॉलो भी करती हूँ एंड उनके खुद के पैलेट से मेकअप करवाना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। सो उन्होंने सबसे पहले क्रीज कलर के लिए लगाया है ब्राउन कलर, देन उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, उसके बाद उन्होंने लगाया है यहाँ पे पर्पल कलर। सो उनका जो मेकअप था इन्होंने पर्पल काइंड ऑफ अ कलर लेके किया है, सो वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। देन पर्पल कलर को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है एंड उसके बाद उन्होंने थोड़ा और डार्क पर्पल कलर लिया है एंड वो मेरी क्रीज पे ड्रॉ कर रही है एंड ये शिमरी कलर है उसको वो इनर कॉर्नर की तरफ लेके आ रही हैं एंड अच्छे से ब्लेंड भी करती जा रही हैं एंड सेम दूसरी आईज पे भी किया है उन्होंने अच्छे से। देन इसके बाद वो अच्छे से ब्लेंड कर देंगी जो जो उन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किया है एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से। इन द जो
जेम्स चार्ल्स का छोटा वाला पैलेट है द मिनी पैलेट, वो उसकी जो प्राइस है वो 4,000 रुपये है, 4,000 मीन्स अराउंड 4,000 रुपये। एंड देन उन्होंने स्टेला का आई शेडो लगाया है, सो यहाँ पे उन्होंने ग्लिटर आई शेडो लगाया है। एंड देखने में भले लगे कि जैसे कि आई शेडो होते हैं स्विस ब्यूटी के ऐसे भी लग जाएंगे, बट फील अलग ही होती है। जो आई शेडो होते हैं स्विस ब्यूटी के वो काफ़ी ज़्यादा चंकी एंड आईज़ पे थोड़ा थोड़ा चिपकते से हैं, मीन्स अगर आप आईज़ को ओपन करेंगे सो आपके ऊपर आई लेट पे वो थोड़ा थोड़ा स्टिक होते हैं। बट अगर आप पैसे दे रहे हैं तो आपकी जो भी प्रोडक्ट हैं वो आपको अच्छे ही मिलेंगे। सो जो स्टेला का ये आई शेडो है इसकी जो प्राइस है वो 4,000 रुपये है, सो आप समझ जाए। देन उन्होंने मेरी आईज पे कोल काजल लगाया है शुगर का। देन फॉर फाउंडेशन उन्होंने तीन फाउंडेशन मिक्स किए है, एस्टे लॉडर का किया है, देन उसमें उन्होंने फेंटी ब्यूटी डाला है एंड उसमें उन्होंने हुडा ब्यूटी भी डाला है। सो उन्होंने तीन फाउंडेशन को मिक्स करके मेरा शेड बनाया हुआ है। देन उन्होंने अच्छे से फॉरएवर 52 के स्पंज से जो मेरा बेस है, मेरा फाउंडेशन है, उसको ब्लेंड करी है। एंड जो अगर आप पार्लर में या फिर कहीं और से मेकअप कराते हैं सो वो क्या करते हैं, जो आपका बेस है वो हर जगह लगाते हैं, आपकी जो ब्लाउज़ लाइन तक पूरा लगाते हैं, नेक में एंड ईयर्स में सब जगह। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप भी ऐसा ही करें अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं अगर मेकअप करें। सो इससे क्या होता है, आपका जो फुल लुक है वो एकदम आपका नेक, आपका फेस, आपकी ईयर्स एकदम एक जैसे लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है। सो ब्राइडल में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मीन्स ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्राइडल में जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, फुल कवरेज बेस होता है इसीलिए। देन उन्होंने फेंटी ब्यूटी की फाउंडेशन, सॉरी उन्होंने फेंटी ब्यूटी की ब्रॉन्जर स्टिक ली थी, कंटूर स्टिक, एंड उससे उन्होंने अच्छे से मेरे जो फेस को एक डायमेंशन दी है एंड उन्होंने सेम स्पंज की हेल्प से उसको ब्लेंड कर लिया है। एंड उन्होंने जो मेरी नोज़ की कंटूरिंग की थी वो एक अलग ही शेप में की थी, सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड उन्होंने आई मेकअप के लिए कोई भी लाइनर नहीं यूज़ किया है, अभी जो स्मोकी लाइनर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, उन्होंने उसी को ध्यान में रख के जो मेरा आई लुक है उसके लिए ब्राउन काजल लगाया है एंड उसको स्मोक आउट किया है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। देन उन्होंने नार्स का ब्लश लगाया है, नार्स का ब्लश ही बहुत ज़्यादा महंगा आता है, 4,500 अराउंड में ये जो लिक्विड ब्लश है वो हमें मिलता है। एंड सारे जो भी मैं प्रोडक्ट्स आपको बता रही हूँ सो उसकी मैं पिक्स भी दिखा रही हूँ, एंड आप चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं प्राइजेस के लिए, या फिर अगर आपको बाय भी करना है सो ये जो नार्स के और प्रोडक्ट हैं वो आपको नहीं मिलेगा इंडिया में। देन हुडा ब्यूटी का उन्होंने लूज़ पाउडर लगाया था मेरी अंडर आईज़ पे, देन वो सेम जेम्स चार्ल्स के पैलेट से मेरी लोअर लैश लाइन का लुक भी कर रही हैं। सो लोअर लैश लाइन के लिए पहले उन्होंने ब्राउन कलर को लेके स्मोक आउट कर दिया है, देन उन्होंने पर्पल कलर को लेके स्मोक आउट कर दिया है अच्छे से। सो यहाँ पे वो मेरा लोअर लैश लाइन का लुक कर रही हैं एंड अब वो अच्छे से जो मेरी लोअर लैश लाइन है एंड मेरा फुल जो आई मेकअप है उसको कंप्लीट कर देंगी। देन उसके बाद इन्होंने जो लूज़ पाउडर लगाया था उसको रिमूव कर दिया है एक ब्रश की हेल्प से। एंड देन यहाँ पे उन्होंने पहले क्रीम ब्रॉन्जर लगाया था, देन यहाँ पे पाउडर ब्रॉन्जर लगा रही हूँ। सो यहाँ पे हुला का जो बेनिफिट हुला का ब्रॉन्जर यूज़ किया है एंड ये नायका पे अवेलेबल है और इंडिया में भी अवेलेबल है, सो आप चेकआउट कर सकते हैं। देन यहाँ पे उन्होंने पहले क्रीम ब्लश लगाया था एंड अब यहाँ पे वो पाउडर ब्लश भी लगा रही हैं एंड अच्छे से फुल मेरे चीक्स पे लगा दिया है। एंड ज़्यादा पिंक चीक्स ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं अगर आप ब्राइडल मेकअप करा रहे हैं सो इसके लिए। देन यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा नोज़ पे भी लगा दिया है, अब उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा एकदम लाइटली कंसीलर लिया है एंड थोड़ा सा फोरहेड पे लगाया है एंड थोड़ा सा वो चिन पे भी लगाएंगी, सो इससे हाईलाइटेड इफ़ेक्ट आएगा इसीलिए उन्होंने लगाया है। एंड अच्छे से वो फॉर एवर 52 के स्पंज से ब्लेंड भी कर रही हैं एंड देन यहाँ पे उन्होंने
एक बिग पाउडर ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लेके मेरे फुल नेक को एंड थोड़ा सा फेस के बेस को जो भी फाउंडेशन लगाया है उसको लॉक भी कर दिया है ताकि कोई भी क्रीज ना पड़े एंड अच्छे से यहाँ पे कर दिया है सेट। देन यहाँ पे उन्होंने टू फेस्ड का हाइलाइटर लगाया है एंड जो टू फेस का हाइलाइटर है वो नायका पे अवेलेबल है, आप लोग जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। एंड इसके जो प्राइस है वो अराउंड 2K यानी कि 2000 रुपये हैं। एंड फिर यहाँ पे अच्छे से लगा दिया है ब्रिज ऑफ द नोज पे, चिन पे, क्यूपिड बो पे एंड चिक बोन्स पे जहाँ जहाँ हम यूजुअली लगाते हैं। एंड इसके बाद अब वो लगाएंगी जो हाइलाइटर, इतना प्यारा हाइलाइटर था ना ये वाला। सो ये मतलब कि आपको अगर शायद ना पता चल रहा हो कैमरे में, बट रियल में ये जो हाइलाइटर था इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना, मैं बस क्या ही बताऊँ। सो ये जो हाइलाइटर है ये फेंडी ब्यूटी का डायमंड बॉम हाइलाइटर है एंड रियली ये एक बॉम हाइलाइटर, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। एंड फिर यहाँ पे इन्होंने मेरी रियल लैशेस को कर्ल किया है एंड अतुल चौहान की लैशेस को भी लगाया है एंड मेरे साथ में ही मम्मा थी, सो इस क्लिप को भी मैंने ऐड कर दिया। सो अतुल चौहान की लैशेस है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हैं। सो आप देख ही सकते हैं लैशेस से जो फुल लुक है वो एकदम चेंज हो जाता है। एंड आप जब भी लैशेस लगाएं या लगवाएं सो थोड़ी देर आप अपनी आँखों को बंद ही रखें ताकि आपकी जो लैशेस हैं वो आपने जो भी ग्लू लगाई है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। देन इन्होंने क्या किया था, मेरी जो लैशेस की लाइन होती है उस पर थोड़ा सा काजल लगा दिया था ताकि लैशेस की लाइन ना दिखे। देन फिर क्या किया है, लैशेस को कर्ल कर दिया है एंड हमारी जो अपर लैशेस है वो इतनी ज़्यादा बड़ी एंड प्यारी प्यारी लग रही हैं। सो हमारी लोअर लैश लाइन को भी थोड़ा बड़ी लगना चाहिए, इसीलिए लोअर लैश लाइन को भी अच्छे से इन्होंने मस्कारा की हेल्प से मतलब मस्कारा लगा दिया ताकि अच्छी दिखे। सो फिर यहाँ पे इन्होंने रियल हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक यूज़ की है एंड यहाँ पे जो हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक है वो न्यूट शेड में लगाई है बिकॉज हमारा जो आई मेकअप है वो इतना ज़्यादा प्यारा एंड काफ़ी ज़्यादा हैवी है। सो अगर आपका हैवी मेकअप है, आई मेकअप हैवी है, सो आप अपने लिप्स को थोड़ा न्यूट रखें ताकि आपका जो मेकअप है वो बैलेंस लगे एंड काफ़ी ज़्यादा प्रिटी भी लगे। सो यहाँ पे इन्होंने न्यूट लिपस्टिक लगा दी है एक लिपस्टिक ब्रश की हेल्प से, देन मेकअप सेटिंग स्प्रे की हेल्प से मेरा जो मेकअप है उसको सेट एंड लॉक कर दिया है ताकि वो अपनी जगह पे रहे अच्छे से। जब हमारा मेकअप लॉक हो गया है सो लिपस्टिक को थोड़ा सा और सही कर देंगी वो एक लिप ब्रश की हेल्प से। देन यहाँ पे मैंने जो ये मुझे ज्वेलरी बना रही थी एंड देख रही थी कौन कौन सा लुक मतलब कौन कौन सी ज्वेलरी अच्छी लगेगी, सो जो ये वाली। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ मी अलीशा। सो आज मैंने अपना ब्राइडल मेकओवर कराया है एंड मैंने अपना ब्राइडल मेकओवर उरई में आके कराया है। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उन्होंने लुक किया है मेरा, सो मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ सो वो बताएंगी कि उनके पार्लर में कौन कौन सा मेकअप। सो ये हैं श्वेतांजलि दीदी, इन्होंने मेरा मेकअप किया है एंड इन्होंने बहुत सारी ब्राइड्स का मेकअप किया है जो उरई में रहती हैं एंड इनके इंस्टाग्राम आईडी पे आप जाके देखेंगे सो बहुत सारी ब्राइडल मेकअप हैं और जो इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली किया है सो उसको भी आप लोग चेकआउट करना। एंड इनका जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आप जाके इनसे मैसेज कर सकते हैं। सो आइए इनसे पूछते हैं इनके पास कौन कौन से मेकअप अवेलेबल हैं। एक्चुअली मेरे पास HD फोटो फिनिश सिग्नेचर एयरब्रश और डर्माकोल मेकअप मेरे पास अवेलेबल हैं जिसमें मैं ब्रांड्स यूज़ करती हूँ, फेंटी, लॉरा, डियोर, नाज, एनेस्थेसिया, मॉर्फी। मैंने सो दीदी ने मेरा सारा जो मेकअप है वो सारे हाई एंड ब्रांड से किया है, जैसे कि हुडा ब्यूटी एंड फेंटी ब्यूटी के लिए उन्होंने फाउंडेशन यूज़ किया है एंड द टार्ट का कंसीलर यूज़ किया है एंड आई मेकअप के लिए जेम्स चार्ल्स जो पैलेट को यूज़ किया है एंड दीदी और के पास नार्स का ब्लश यूज़ किया है मैंने, लिक्विड ब्लश जो कि बहुत ही फेमस ऑर्गेज्म करके आता है, वो ब्लश यूज़ किया है मैंने। और दीदी के पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ नहीं मिलते हैं, उन्होंने खुद से बाहर से मंगाए हुए हैं जो इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है। सो उनके पास काफ़ी सारा अच्छा कलेक्शन है एंड महंगे के साथ साथ वो सस्ती ब्राइड को भी करती हैं, अगर कोई लोग जो हाई एंड ब्रांड का नहीं करवा सकते सो वो लोअर ब्रांड के लिए भी अगर आपको ब्राइडल कराना है सो वो करती है हाई एंड, उसके लिए मेरे पास मैक और क्राइलिन भी है अगर किसी को लोअर उसमें कराना है तो, और हायर एंड में मेरे पास तो बता ही चुकी हैं वो सारे प्रोडक्ट्स।
सो आप लोग चेकआउट ज़रूर करिएगा, एंड कुछ भी आपको पूछना हो सो आप इनसे पूछ सकती है। इनका जो इंस्टाग्राम है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।